हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। बहुत ही डिलीशियस सॉफ्ट स्पॉन्जी ये केक बनकर तैयार होगा और सिर्फ 1 कप सूजी से इसे हम बनाकर तैयार करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये बेसिक सामानों से ही ये बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए शुरू करती हूँ इसे बनाना। यहाँ पर मैं एक मिक्सी जार ली हूँ। अब मिक्सी जार में हम डाल देंगे करीबन 1 कप सूजी। ये मोटे वाले सूजी है, इसीलिए सूजी को पहले हमें पीसना है। देखिए सूजी अच्छे तरह से पीस चुका है, एक पाउडर का फॉर्म में सूजी आ चुका है। अब सूजी जैसे ही अच्छी तरह से पीस जाएगा, तब सूजी के साथ ही हम डाल देंगे ये आधा कप दही। दही फ्रेश होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा दही का यूज़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप चीनी। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप कोको पाउडर। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप बटर। अगर आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं 1/4 कप, लेकिन बटर डालने से इसका टेस्ट अच्छा आएगा और ये मेल्टेड बटर है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप दूध, ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। दूध डालने के बाद इसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ग्राइंड हो चुका है अच्छी तरह से। अब यहाँ पर मैं एक बोल ली हूँ। अब बोल में हम इसे डाल देते हैं। बेटर का कंसिस्टेंसी हमें ऐसे ही चाहिए। देखिए अब इसे हम ढक कर रख देंगे करीबन 30 मिनट के लिए, ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। जब तक सूजी हम लोग का फूल रहा है, तब तक हम लोग दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक पतीला ली हूँ। अब पतीले में मैंने नमक डाल दी हूँ। ये नमक मैंने बहुत बार यूज की हूँ, इसीलिए थोड़ा सा काला पड़ गया है नमक। अब नमक डालने के बाद इसमें हम बर्तन वाले जो स्टैंड आता है उसे भी रख देंगे और ढक कर रख देंगे करीबन 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये प्री हीट हो जाए। मैं एक केक का मोल्ड ली हूँ। अब मोल्ड में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मोल्ड में लगा देंगे। इस पे हम डाल देंगे बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप थोड़ा सा मैदा भी इसमें डस्ट कर सकते हैं और इसे इस तरीके से ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। हम लोग का केक टिन तैयार है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब देख लेते हैं कि सूजी हम लोग का फूला है या नहीं। अब कवर निकाल लेते हैं। देखिए सूजी अच्छी तरह से फूल चुका है। देखिए सूजी अच्छी तरह से फूल चुका है। हम लोग का बेटर थोड़ा सा गाढ़ी हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे। पतला करने के लिए हम करीबन 3 चम्मच दूध डालेंगे इसमें। थोड़ी सी दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पतली हमें बैटर नहीं चाहिए। बैटर को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब लास्ट में हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा फेंटिएगा नहीं, हल्के हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। सिर्फ मिक्स ही करना है हमें। और जब भी आप बेकिंग पाउडर या तो इनो कुछ भी डालें, तो तुरंत ही आप केक को बेक करने दे दीजिएगा, तभी आपका केक अच्छी तरह से फूलेगा। अगर आप बेकिंग पाउडर या तो इनो डालने के बाद अगर आप इसे रख देते हैं, तो फिर आपका केक कभी फूलेगा नहीं, इसलिए इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब केक टिन में हम इसे डाल देंगे। देखिए इसका कंसिस्टेंसी कैसा है। बैटर को डालने के बाद इसे इस तरीके से टैप कर लेंगे। अब देखिए ये भी अच्छी तरह से प्रीहीट हो चुका है। आप केक को डाल देंगे। केक को डालने के बाद कवर लगाकर हम करीबन आधा घंटे के लिए रुकेंगे और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। आधा घंटे के बाद ही हम इसका कवर निकालेंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब कवर निकाल लेते हैं। अब चेक कर लेंगे कि केक अच्छी तरह से बेक हुआ है या नहीं। यहाँ पर मैं एक नाइफ ली हूँ और नाइफ को हम इस तरीके से केक के अंदर डालेंगे। अगर नाइफ क्लीन निकला है, इसका मतलब केक हम लोग का अच्छी तरह से बेक हुआ है। अगर नाइफ क्लीन नहीं निकलता, तो केक को हम थोड़ी देर और बेक होने के लिए रख देते। केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है, अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं कुछ देरी के लिए, ताकि अच्छी तरह से केक ठंडा हो जाए। देखिए केक हम लोग का अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब नाइफ का हेल्प से इसे इस तरीके से किनारे को हम हटा लेंगे, ताकि केक अच्छी तरह से निकल जाए।
अब इस तरीके से केक को पलट देंगे। देखिए केक हम लोग का अच्छी तरह से निकल चुका है। देखिए केक हम लोग का तैयार है और कितना स्पॉन्जी जालीदार बनकर तैयार हुआ है। अरे यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी ये केक बनकर तैयार हुआ है। केक को और ज़्यादा टेस्टी करने के लिए हम डालेंगे केक के ऊपर हर्शीज। आप चाहे तो मेल्टेड चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हर्शीज को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से केक में चारों तरफ फैला देंगे। अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी स्प्रिंकल्स करते हुए चॉकलेट। अगर आपके पास नहीं है तो आप टोटली इसे स्किप कर सकते हैं। हम लोग का केक तैयार है, आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा। इसे बहुत ही सॉफ्टी, बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही डिलीशियस ये केक बनकर तैयार है। अगर इसे पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।